नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को साल 2017 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी स्वामी यतीश्वानंद ने हरीश रावत को 35,000 से ज्यादा वोटों से मात दी थी। वहीं इस हार का बदला अब हरीश रावत की बेटी अनुपमा ने लिया है। इस बार के चुनाव में अनुपमा ने दो बार के विधायक स्वामी यतीश्वानंद को पटखनी दे दी है। वर्ष 2012 में वजूद में आई हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट कई मायनों में हॉट सीट थी। दरअसल स्वामी यतीश्वानंद ने जहां पिछले विधानसभा चुनाव में उस वक्त सीएम रहे हरीश रावत को हराया था, अनुपमा हरिद्वार ग्रामीण सीट पर अपने विपक्षी प्रत्याशी और बीजेपी में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वानंद के खिलाफ लगातार बढ़त बनाए हुई थी और अंत में अनुपमा ने इस सीट पर 12 राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद करीब 6,000 वोटों से जीत दर्ज की है। यहां दिलचस्प बात यह है कि अनुपमा शुरुआती राउंड से ही बीजेपी प्रत्याशी के मुकाबले आगे चल रही थी। हरिद्वार ग्रामीण सीट पर बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद यूनुस तीसरे स्थान पर रहे, हालांकि उन्हें यहाँ महज 4,528 मिले हैं। वहीं उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नरेश शर्मा को महज 2,894 वोट ही मिले हैं। तो इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।